लेकिन कोशिश करूंगा मैं उनकी आवाज़ और अंदाज में जाऊँ बाकी बात करूँ। प्रोफेसर अनवर मसूद साहब, मेरी तो नज़्म है अमरी, आपने जब भी सुनी है आपको रोना आया है, क्योंकि ये नज़्म एक ऐसे बदबख्त बच्चे के बारे में है जो अपनी प्यार करने वाली माँ को मारता है और उसको रुलाता है। ऐसे बच्चे का क्या मुस्तकबल हो सकता है जो अपनी माँ के साथ ये सलूक करता है। तो वो जो नज़्म है अमरी, उसमें जो बच्चा था अकरम, वो जब ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका क्या मुस्तकबिल हो सकता है। वो इसी तरह पढ़ तो सका नहीं है, वो दुकानों पे और मुख्तलिफ कारखानों में धक्के खा रहा है, तो शादी भी हो गई सू कि तू भला चंगड़ा का जवाई जे। एक दिन वो बड़े बुरी हालत में, कपड़े उसके फटे हुए हैं और मुंह काला हुआ हुआ है, और वो आता है दुकान पे जरा लेट, तो जो वो सेठ है दुकान का वो उससे पूछता है, आज बड़ी देर ना लाए हैं वो अकरमिया, वो है तेरा मकान इतने नाल ही दुकान है, तो जाएंगा तू मेरे को नौकरी खुआ के, तो कितों आए आज थुन्नी बना के। वो कहने लगा, पहले मेरी एक गल सुन लो सेठ जी, मेरी एक गल सुन लो, बुढ़ी मैनू मारती है तो बड़ा ठाडा मारती है। अब ये उसके साथ जो उसका मुकाफाते अमल शुरू हो गया है, बुढ़ी मैनू मारती है तो बड़ा ठाडा मारती है, आज उस बैकी ने अज पे मुकाई है, मैनू मार मार के सैंडल तोड़ छी सू, बंदे इकट्ठे हो तो रोन लग पई है, पिट पिट दुखड़े सुनाउन लग पई है। पहले सारे मल्ले की गैरत नू जगा के फिर मोबाइल ते पिरावां नू बुलाउन लग पई है। पहले मल्लेदारा ने कुटिया मैनू रज के, फिर उहदे पिरा वी पै गए ने गज वज के, चंगा उहना चंगड़ा ने खुआर मैनू कीता जे, करके मूह काला डोंकी किंग दा सवार मैनू कीता जे, उतू जान छुट्टी है मैं पचा लगा आया जे, उतू जान छुट्टी है मैं पचा लगा आया जे, सेठ जी किसे नू ना दसना मैं मां दा बद्दू आया जे। अंबड़ी अज मैनू बड़ा याद पई आउंदी है, अंबड़ी अज मैनू बड़ा याद पई आउंदी है, लगदा है रब नू दस दस के बदले पई लोआंदी है। अंबड़ी जो बड़ी दुखी नजम थी, तो ये उसका वो बना था, ये अनवर मसूद साहब को मैंने सुनाया तो मुझे बड़ा खुशी हुई, शाबाश दी और दुआ दी। ये तो बाकी मैं दूसरे जो आपने उससे पहले जो है वो मैं एक कादरी साहब की भी पेश करेंगे, तो एक बिलावल भुट्टो की, या ये कुछ सियासी नहीं है, ये इसमें सिर्फ एक मिलिट्री का आंसर है जिसमें वो सियासी लाइन नहीं है। तो वो जिस तरह से अक्सर कॉपी होती है हर जगह पे बिलावल, जिस तरह उर्दू बोलते हैं, उर्दू गलत बोलते हैं, तो उस हवाले से है, वो समझे कि आपके पास आ गए हैं और वो पता है आपको लिखा हुआ ही पढ़ते हैं और उर्दू की जिस तरह गलत हो जाता है, आपने करेक्शन करनी है अल्फाज की जहाँ से वो गलत होंगे, क्योंकि इन्होंने लिख दी है वो। तेरा गंगा सोसाइटी की तमाम नंबरदार्स का, सॉरी तमाम मेंबर्स का और अहदेदार्स का इंतहाई थके दिल से मुश्कपूर हूँ, थके दिल नहीं जी, सॉरी तहे दिल से मशकूर हूँ कि मुझे इस तकलीफ में मुदीर किए है, सॉरी मधु किया है, मधु किया है जनाब सदर, मैं आपकी इस प्लेटफॉर्म की ट्विस्ट से तवस्सुत से जी तवस्सुत से
ये शेर आपकी नजर करता हूँ जी जी कि जुल्म बच्ची चुन रहा है सॉरी जुल्म बच्ची चन रहा है जुल्म डिलीवरिंग चाइल्ड जुल्म बच्ची चन रहा है कूचा बाबा और राज में कूचा बाजार में बादल साहब को भी औलाद होना चाहिए सॉरी अब अदल को भी साहब औलाद होना चाहिए और एक और आखिरी शेर है कि इदारे जिनके तख्ता हो इरादे जिनके पुख्ता हो इरादे जिनके पुख्ता हो नजर जिनकी खुद पर हो नजर जिनकी खुदा पर हो तला उत्तम अखीर फौजों से वो तला तम खेस मौजों से वो घबराया नहीं कहते।